ताजनगरी आगरा में दो समुदायों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और इस झगड़ा को निपटाने के लिए कई थानों की फोर्स पहुंची, साथ में एसपी सिटी भी आगरा मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मामला आगरा के थाना ताजगंज के तेली पाड़े का है, जहां पर एक समुदाय के लोग देवी का भंडारा कर रहे थे और ये भंडारा देवी प्रतिमा के सामने ही सड़क पर चल रहा था। तभी वहां से दूसरे समुदाय के तीन युवक हाथ में मीट लेकर नशे की हालत में पहुंचे और लोगों ने उनको मना किया कि दूसरे रास्ते से जाओ, उसके बाद भी वो नहीं माने। सुनिए क्या कहना है स्थानीय लोगों का। सोनू राइडर्स, क्या मामला हो गया था? क्या मामला हो गया था? क्या हुआ था? वो यहाँ से निकल के जा रहा था चप्पल पहन के। उसकी दहली हाथ में थी? वो उसकी दहली हाथ में थी, उससे मना की, नहीं माना, बोला कि निकल के जाऊंगा यहीं से। फुल नशे में था? फुल नशे में, उससे हाथ जोड़ के विनती भी की लेकिन नहीं माना बंदा, धक्का मुक्की करने लगा, हाथापाई भी की उसने हमारे साथ, और इतना नशे में था वो खुद गिर पड़ा, उसके सर में चोट आ गई और माता रानी के दरबार पे वो घूस लेके निकल लिया यहाँ से। बोल रहा है कि हम अपनी अपनी बस्ती, और ये भी बोल रहा है कि वहाँ से बुला के लाऊंगा मैं, जो अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा भंडारा खत्म करा दूंगा अभी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं है, वो वहाँ से भेज दिया, उसकी माँ यहाँ से ले गई, गाली गुप्ता बकते हुए ले गए यहाँ से। एक थोड़ी तो तीन जने थे, तीन चार पाँच जने थे कम से कम वो। इस चक्कर में हमने 100 नंबर पर फोन किया पहले, जब बताया उसके बाद पुलिस आई है। भंडारा कर रहे लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ भंडारा चल रहा है, तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ। इतनी ही बात पर उन युवकों ने भंडारा करा रहे लोगों से हाथापाई करने लगे, साथ ही लोगों को बुलाने की धमकी भी देने लगे। चूंकि जहाँ भंडारा चल रहा था वह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, कोई बड़ी घटना ना हो इसलिए भंडारा कर रहे लोगों ने तत्काल 100 नंबर पर सूचना दी और मामला दो समुदायों में होने के कारण सूचना मिलते ही कई थानों के फोर्स एक साथ एसपी सिटी के साथ आगरा पहुंच गई और मोर्चा संभाला। अभी तेलीपाड़ा में एक झगड़े की सूचना मिली थी, भंडारा हो रहा था और चूंकि बहुत सक्रिय रोड है, इसमें दोनों तरफ से लोग बैठ के भंडारा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति वहाँ से जाने की जिद कर रहा था चप्पल पहन कर, उसको रुका गया। उसमें कुछ आपस में थोड़ा तू में हुआ था और मौके पर शांति है, कोई विशेष बात नहीं। हाँ, उसको आप समझा कह सकते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मोहल्ले के लोग हैं। हाँ, कार्रवाई इसमें चिन्हित किया जाएगा, जो लोग इससे झूठी अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SPN 9 न्यूज के लिए आगरा से मदन शर्मा की रिपोर्ट।